आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद नई हुकूमत तश्कील देने के लिए तैयार। अपना लीडर चुनने के लिए जेएमएम कानून साज पार्टी की मीटिंग आज होगी। जीएसटी के सरगर्म टैक्स दहिंदगान की तादाद टैक्स स्कीम के आगाज के बाद से 1,21,00,000 तक पहुंची। शहरी भारत खुले में रफे हाजत से पाक करार दिया गया। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को चालू करने के लिए पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। और खेलों में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाली महदूद ओवरों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। बुमराह और धवन टीम में शामिल किए गए। खबरें तफसील से। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी इत्तेहाद नई हुकूमत तश्कील देने के लिए तैयार है। 81 रुकनी असेंबली में इत्तेहाद ने 47 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं। जेएमएम को 30 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं। झारखंड विकास मोर्चा ने 3 सीटों पर, जबकि एजेएसयू ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। आरजेडी, एनसीपी और सीपीआईएमएल ने 1-1 सीट हासिल की है। हमारे नामानिगार के मुताबिक 2 आजाद उम्मीदवारों को मुंतखब करार दिया गया है। वजीर आला के उम्मीदवार और जेएमएम के एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट दोनों सीटों से जीत गए हैं। झारखंड विकास मोर्चे के सदर बाबूलाल मरांडी ने धनवर सीट से जीत हासिल की है। रियासती कांग्रेस के सदर रमेश्वर उराव ने लोहरदागा सीट से और आजसू सरबराह सुदेश कुमार महतो ने सिली सीट से कामयाबी हासिल की है। रियासती बीजेपी सदर लक्ष्मण गिलवा चक्रधरपुर सीट से हार गए हैं। राजपलीवर और लुइस मरांडी भी अपनी अपनी सीटों पर नाकाम हो गए हैं। मशरकी जमशेदपुर में आजाद उम्मीदवार सरयू राय ने वजीर आला रघुवर दास को 15,000 वोटों से हरा दिया है। स्पीकर दिनेश उरांव भी अपनी सीट नहीं बचा सके। इस चुनाव में 22 एमएलए पहली बार चुने गए हैं। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। 81 रुकनी रियासती असेंबली के लिए पोलिंग 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 मरहलों में की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड इंतखाबात में जीतने पर हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की क़यादत वाले इत्तेहाद को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में बीजेपी को कई साल तक रियासत में खिदमत करने का मौका देने के लिए झारखंड के आवाम का शुक्रिया अदा किया है। बीजेपी सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पार्टी असेंबली इंतखाबात में झारखंड के आवाम के दिए गए फैसले का एहतराम करती है। जनाब शाह ने एक ट्वीट में अथक मेहनत के लिए पार्टी वर्करों का शुक्रिया अदा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की कानून साज पार्टी की मीटिंग आज रांची में होगी, जिसमें वो अपना लीडर मुंतखब करेंगे। ये मीटिंग पार्टी के सदर शिबू सोरेन की सदारत में मुनक्किद होगी। उम्मीद है कि जेएमएम के एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन कानून साज पार्टी के लीडर मुंतखब हो जाएंगे। कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए भी आज ये मीटिंग होगी। उम्मीद है कि अजीम इत्तेहाद की पार्टियों की एक मीटिंग भी आज ही होगी, जिसमें हेमंत सोरेन को इत्तेहाद का लीडर मुंतखब किया जाएगा। कल बेंगलुरु में बिहार के नायब वजीर आला सुशील मोदी की क़यादत वाली विजारती ग्रुप के जरिए टैक्स अदा न करने वालों का पता लगाने और जीएसटी दाखिल करने के अमल को सहल बनाने जैसे कई इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। बेंगलुरु में मीडिया के अफराद को तफसील बताते हुए सुशील मोदी ने बताया कि जीएसटी के आगाज के बाद से सरगर्मी के साथ जीएसटी अदा करने वालों की तादाद बढ़कर 1,21,00,000 हो गई है, जिसमें से 66,79,000 नए रजिस्ट्रेशन हैं। ताहम टैक्स अदा करने वाले नए लोगों में सिर्फ 15% ने टैक्स अदा किए हैं। जनाब सुशील मोदी ने कहा कि इसलिए रियासतों ने नए टैक्स दहिंदगान के दफातर जाकर फिजिकल तौर पर तस्दीक का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल 1 अप्रैल से रिटर्न दाखिल करने का नया निजाम शुरू किया जाएगा, जिसमें कुछ ही खानों को पुर करना होगा और काफी आसान होगा। 1 अप्रैल से न्यू रिटर्न लॉन्च होने जा रहा है। दिस इज अ वेरी सिंपल रिटर्न, विल हैव अ वेरी फ्यू फील्ड्स, इट विल बी यूजर फ्रेंडली। सो दिस न्यू रिटर्न एंड इन विच देर विल बी अ इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरिफिकेशन ऑल्सो, बिकॉज पीपल वर यूज टू फाइल 3B, विच वॉज वेरी सिंपल, देन वी आर फाइलिंग GSTR 1, सो वी ट्राई टू मेक इट मोर एंड मोर सिंपलर।
खजाने और कॉरपोरेट उमूर के वजीर ममलिकत अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में सेहत, तालीम और देही तरक्की के शोबों के मुमताज नुमाइंदों के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा किया। ये उनकी बजट से पहले की दसवीं और आखिरी मुशावरती मीटिंग थी। मीटिंग में सेहत खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने और महरूम तबके के लिए बुनियादी सेहत खिदमात की तरसील के इख्तराई तरीके तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की गई। इसके अलावा पेंशन और समाजी तहफ्फुज, खासतौर पर कमजोर तबके के लिए समाजी तहफ्फुज, समाजी सेक्टर में सरकारी सरमायाकारी और देही सेक्टर में इक्तसादी और समाजी बुनियादी ढांचे में इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इक्तसादी मुशीर और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के तहकीक के महकमे की डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोहतरमा गोपीनाथ ने कहा कि रेगुलेटरी गैर यकीनी सूरत हाल ने भारत में इक्तसादी सुस्तरवी में बड़ा रोल अदा किया है। मोहतरमा गोपीनाथ ने यह भी कहा कि अशिया और खिदमात टैक्स GST भारतीय मईशत को बाजाब्ता बनाने में काफी अहमियत का हामिल है। नायब सदर जमहूरिया M. वेंकैया नायडू ने कहा है कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां तरक्की की राह में मुसलसल रुकावट बनी हुई है। वो कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की तालिबात के एक ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे थे। जनाब नायडू ने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत अपने सभी हमसाया मुल्कों के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए यह जरूरी है कि मुल्क की गुनागुनियत को देखने के लिए वो पूरे मुल्क का दौरा करें। उन्होंने कहा कि सफर से तलबा को मुल्क को दरपेश चैलेंजों को समझने में मदद मिलेगी और वो इन मुश्किलात का हल भी तलाश कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर रीजन हैज अ रिच ट्रेडिशन कंपोज्ड कल्चर। दिस कंपोज्ड कल्चर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन व्हिच कश्मीरी आर्ट फॉर्म्स एंड फोक ट्रेडिशन हैज फ्लरिश्ड। दिस कंपोज्ड कल्चर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड टॉलरेंस व्हिच इज कलेक्टिवली नोन एज कश्मीरियत। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसका मकसद सरहद के इस पार दहशतगर्दों को भेजना है। उन्होंने कहा कि हमारी दरअंदाजी मुखालिफ ग्रिड काफी मजबूत है और हालिया दिनों में दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया है। सांबा में जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के दूसरे बैच के पासिंग आउट परेड के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि रियासत में हालात पूरी तरह में है। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में पुलिस के आम लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और इसके फरोग के लिए मजीद इकदामात किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कल रियासत भर के बेघर कुनबों को 50,000 से ज्यादा घर दिए। ये घर 62 जिलों में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी हुकूमत बगैर किसी तफरीक के रियासत के हर एक शहरी के लिए काम कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। मुख्यमंत्री आवास योजना का आगाज उन कुनबों के लिए किया गया था जो किसी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का हिस्सा नहीं बन सके थे। इन 50,740 घरों को माजूर अफराद, बेघर कुनबों और कुदरती आफात और खास बीमारियों से मुलव्वित अफराद को दिया गया। इस स्कीम के तहत 2800 से ज्यादा लेप्रसी यानी जजाम के मरीजों को भी घर दिए गए हैं, जिसके लिए रियासत के साबिक गवर्नर राम नाईक की जानिब से खुसूसी पहल की गई थी। मुख्तलिफ शहरों में घरों की चाबी देने के प्रोग्रामों में मकामी MLA, रुकन पार्लियामेंट और वजीर भी शरीक हुए। लखनऊ में हुए खास प्रोग्राम में रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और साबिक गवर्नर राम नाईक भी खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने शहरी भारत को खुले में रफ़ा हाजत से पाक करने का हदफ हासिल कर लिया है। 35 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के शहरी इलाके DDF करार दे दिए गए हैं। कुल 4,372 शहरों में से 4,320 शहरों के खुद को खुले में रफ़ा हाजत से पाक करार दे दिया है। इस कामयाबी के लिए 59 लाख इंफरादी बैतुलखला की तामीर का हदफ था, जबकि 65 लाख से ज्यादा बैतुलखला तामीर किए गए हैं। इसी तरह मिशन में 5,80,000 अवामी बैतुलखला की तामीर का हदफ मुकर्रर था, जबकि 5,89,000 अवामी बैतुलखला तामीर किए गए हैं। हुकूमत ने कूड़े करकट से पाक शहरों के लिए स्टार दर्जाबंदी का निजाम शुरू किया है। इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई और मैसूरू को 5 स्टार वाले शहर के तौर पर सर्टिफाई किया गया है। 57 शहरों को 3 स्टार और 4 शहरों को 1 स्टार वाले शहर करार दिया गया है।
भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के कंट्रोल के जदीद निजाम MTCS नाफिज करते हुए अपने तमाम नेटवर्क पर सिग्नल के निजाम को जदीद बनाने का फैसला किया है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि तजदीदकारी से मुतालिक ये काफी अहम प्रोजेक्ट है, जिससे ट्रेनों की हिफाजत, लाइन कैपेसिटी और ट्रेनों को मजीद तेज रफ्तारी से चलाने के लिए सिग्नल निजाम में बेहतरी लाई जाएगी। इस काम में खुदकार ट्रेन प्रोटेक्शन निजाम ATPS, बर्की इंटरलॉकिंग निजाम EIS और रिमोट डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस निजाम शामिल हैं। मॉडर्न ट्रेन कंट्रोल निजाम दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा और ज्यादा ट्रेनों वाले रूट्स पर लागू किए जाएंगे। आयुष की वजारत मुल्क में 50 बिस्तरों वाले मरबूत आयुष अस्पताल कायम करने के लिए रियासती हुकूमतों की मदद कर रही है। मरकज की तरफ से शुरू की गई नेशनल आयुष मिशन NAM स्कीम आयुष हिफ्जान सेहत तक रसाई को फरोग देने के लिए अहम वसीला है। हमारे नामा निगार ने स्कीम के अहम पहलुओं और हुसूलियाबियों का जायजा लिया। वजारत ने 1032 आयुष डिस्पेंसरीज को तकरीबन 90 करोड़ रुपए की ग्रांट फराहम की है, जिसका मकसद उन्हें आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के तौर पर फरोग देना है। इस तरह के मराकज मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी आयुष हेल्थ केयर तक आवाम की रसाई बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल अगस्त में हरियाणा में इस तरह के 10 मराकज का आगाज किया था। इसके अलावा लेह में सोवा रिकपा के लिए कौमी इंस्टीट्यूट के क्याम की भी मंजूरी दी गयी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। आकाशवाणी के सालाना अवार्ड आज नई दिल्ली में दिए जाएंगे। इत्तलात नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ये अवार्ड अता करेंगे। पेशावराना महारत को फरोग देने और मुख्तलिफ रेडियो स्टेशनों और दीगर तनसीबात पर काम करने वाले अमले में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए आकाशवाणी अवार्ड 1974 में शुरू किए गए थे। भारत और ईरान ने चाबहार की शहीद बहिश्ती बंदरगाह को चालू करने में हासिल की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और ईरान के उनके हम मनसब डॉ मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस बात को तस्लीम किया कि इस बंदरगाह में बर्रे सगीर हिंद, ईरान, अफगानिस्तान, वस्त एशिया और यूरोप के दरमियान रहगुजर बनने की सलाहियत है। भारत ईरान मुश्तरका कमीशन का 19वां इजलास कल तेहरान में मुनक़िद हुआ। कश्मीर वादी मुसलसल शदीद सर्दी की गिरफ्त में है, क्योंकि बहुत से मुकामात पर दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से कम है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को कल गाड़ियों की नकलो हमल के लिए जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली मुकर्ररा ओवर्स की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जसप्रीत बुमराह और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकर्ररा ओवर्स की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल रहेंगे। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com/urdu पर भी दस्तियाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं महताब आलम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शहसुर्खी है, सऊदी सहाफी जमाल खशकजी के कत्ल के इल्जाम में 5 अफराद को सजाए मौत। जबकि अखबार मशरिक के मुताबिक दिल्ली के कराड़ी कपड़ा गोदाम में लगी आग में 3 बच्चों समेत 10 अफराद की मौत। इसके अलावा सभी अखबारों ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के नतायज को शसुर्खी बनाया है। प्रताप की सुर्खी है, झारखंड में सोरेन को मिला राज, रघुवर दास से छीना ताज। इसके साथ ही जेली सुर्खी है, वजीर आजम मोदी ने हेमंत सोरेन को मुबारकबाद दी, झारखंड के अवाम का फैसला मंजूर, अमित शाह का बयान। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने अगले हफ्ते से रेल के किरायों में इजाफे होने के इम्कान को भी अहमियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने इस्लामी ताउन तंजीम की तरफ से शहरियत कानून पर शदीद रद्द अमल को भी पहले सफे पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। झारखंड में JMM कांग्रेस RJD इत्तेहाद नई हुकूमत तश्कील देने के लिए तैयार। अपना लीडर चुनने के लिए JMM कानून साज पार्टी की मीटिंग आज होगी। GST के सरगर्म टैक्स दहिंदगान की तादाद टैक्स स्कीम के आगाज के बाद से 1,21,00,000 तक पहुंची। शहरी भारत खुले में रफ़ हाजत से पाक करार दिया गया। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को चालू करने के लिए पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। और खेलों में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाली महदूद ओवरों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, बुमराह और धवन टीम में शामिल किए गए। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।